चक्र केल बैक जो है नॉनवेनमस वाटर स्नेक के नाम से जाना जाता है। ये जो है ज़्यादा बाइट करता है, इसलिए ग्लोव्स डाल के इसको पकड़ना पड़ता है, नहीं बोले तो ये कंटिन्यूस बाइट करता। बाइट करने के बाद इसको वेनम तो नहीं है, मगर क्या है, ये इसके मुंह में बहुत सारा बैक्टीरियाज रहता है, क्योंकि ये गंदे नाली के जरिए में फिरते रहता, बैक्टीरिया इसकी वजह से इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इसीलिए हम ग्लोव्स डाल के उसको हैंडल करना पड़ता है। ये नॉन वेनमस स्नेक है, मगर कोई भी हमारी जैसा नकल ना करे, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स और ट्रेनर्स रहते हैं। ಇದು ಚಕ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಸರ್ ಚಕ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ये देखिए, ये रात के 2:30 बजे का कॉल है। 2:30 बजे जो कॉल आने के बाद इधर आके देख रहे तो चक्र किल बैक जो बगैर जहरीला प्रजाति है, ये सांप जो है बगैर जहरीला है, मगर सांप देखते ही लोग हमेशा डरते हैं, तो वैसे ही रात को ये लोग देखने के बाद ये लोग हमारे को सूचना दिए, हम आके इसको रेस्क्यू कर ले रहे। तो ये बगैर जहरीला प्रजाति का ये चक्र किल बैक जो वाटर स्नेक के नाम से जाना जाता है। ये जो वाटर स्नेक है, ये अपने आप को कोबरा की तरह हुड उठा के सामने वाले को आगाह करना चाहता है कि मैं भी कोबरा के वैसा हुड उठा सकता हूँ, उनके डराने की कोशिश करता है। देखिए कितना बेट करता है, नॉन स्टॉप बेट कर सकता है। देखिए